हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएमई इंजीनियर्स। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। सो वेल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली वेल्डिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं और जो फिलर मेटल एंड शील्डिंग गैसेस हैं उसको कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो ऐसे ही कुछ वेल्डिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स को आज के इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। सो पहले हम बात करेंगे वेल्डिंग क्या है। सो वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, प्रेशर या फिर दोनों का यूज़ करके इन दोनों मेटल्स को ज्वाइन करते हैं, और जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो ये दो सेपरेट मेटल एक सिंगल मेटल बन जाते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं, जहाँ पर हम या तो फिलर मेटल का यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना कोई फिलर मेटल का यूज़ करके भी इन दो मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस ऑफ फिलर मेटल, फॉर एग्जाम्पल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो सबसे कॉमन वेल्डिंग प्रोसेस है, उसमें फिलर मेटल का यूज़ करके ही दोनों मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर बेस मेटल एंड फिलर मेटल दोनों ही मेल्ट हो जाता है और एक सेपरेट मेटल मिलता है, उसको हम बोलते हैं वेल्ड मेटल। सो ये एक एग्जाम्पल है फिलर मेटल का यूज़ करके हम दो मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस जहाँ पर हम फिलर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रेशर का यूज़ करके दोनों मेटल्स को ज्वाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ERW वेल्डिंग, जहाँ पर प्रेशर का यूज़ करके इन दोनों मेटल्स को ज्वाइन किया जा सकता है, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है ERW वेल्डिंग का। सो ये तो बेसिक हो गया वेल्डिंग का। अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल वेल्डिंग प्रोसेस कैसे वर्क करता है। एक्चुअल वेल्डिंग को प्रोसेस करने में तीन चीज़ों का यूज़ होता है, एक है वेल्डिंग आर्क, दूसरा है फिलर मेटल और तीसरा है शील्डिंग गैसेस। सो पहले हम डिस्कस करते हैं वेल्डिंग आर्क क्या है। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेल्डिंग मशीन का यूज़ करके ही एक वेल्डिंग आर्क जनरेट होता है। सो वेल्डिंग आर्क जनरेट होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट बिटवीन द वेल्डिंग मशीन एंड द पैरेंट मेटल। सो पैरेंट मेटल एंड वेल्डिंग मशीन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो होस कनेक्शन यूज़ होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। एक होस कनेक्शन जो है ग्राउंडेड कनेक्शन के लिए दिया है मशीन से लेकर पैरेंट मेटल तक, और दूसरा होस कनेक्शन जो है इलेक्ट्रोड होल्डर को दिया है। सो ये होस कनेक्शन जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करते हैं बिटवीन द वेल्ड मशीन एंड द पैरेंट मेटल। इसी की वजह से क्रिएट होता है एक वेल्डिंग आर्क एट द वेल्ड सरफेस, और इसी आर्क एनर्जी से क्रिएट होता है हीट इनपुट। हीट इनपुट जो है फंक्शन है आर्क एनर्जी एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दैट वेल्डिंग प्रोसेस का। सो अगर आपको इसके बारे में और कंप्लीट डिटेल्स जानना है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। जो हीट एनर्जी है उससे अप्रॉक्सीमेटली 6500 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट होता है एट द वेल्ड जोन, और उस टेम्परेचर का यूज़ करके ही बेस मेटल एंड फिलर मेटल को मेल्ट करके दोनों मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। इसी से मिलता है एक परमानेंट जॉइंट, इसी को हम बोलते हैं वेल्ड जॉइंट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फिलर मेटल। सो फिलर मेटल एडिशनल मेटल है जिसको कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हैं हीटिंग प्रोसेस में, जो हेल्प करता है दो मेटल पीस को ज्वाइन करने में। और जब फिलर मेटल एंड बेस मेटल मेल्ट होते हैं, एक एडिशनल मेटल आपको देखने को मिलेगा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन या फिर कूलिंग के बाद, उसको ही हम बोलते हैं वेल्ड मेटल। सो वेल्डिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करने के लिए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलर मेटल यूज होते हैं इंडस्ट्री में। पहला है वेल्डिंग वायर और दूसरा है स्टिक इलेक्ट्रोड। सो पहला जो फिलर मेटल यूज होता है वो है वेल्डिंग वायर। सो वेल्डिंग वायर एक कॉइल शेप में होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर। सो वेल्डिंग वायर भी जो है टू डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, पहला है सॉलिड वायर और दूसरा है फ्लक्स कोर्ड वायर। सॉलिड वायर एंड फ्लक्स कोर्ड वायर में क्या डिफरेंसेस है। सॉलिड वायर, इसको जो है बेयर वायर भी बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी फ्लक्स का कोटिंग नहीं रहता है, इसके लिए इसको बोलते हैं बेयर वायर। यूजुअली जो है ऐसे टाइप ऑफ वेल्डिंग में यूज़ होता है जहाँ पर शील्डिंग गैसेस का यूज़ होता है, जैसे कि मिग या फिर मैग वेल्डिंग में। और फ्लक्स कोर वायर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स का कोटिंग रहता है, और ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस में इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर विदाउट एनी शील्डिंग गैसेस वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल FCAW वेल्डिंग। और ये वेल्डिंग वायर जो है डिफरेंट कॉम्पोजिशन, थिकनेस एंड डायमीटर के साथ आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड। और दूसरा जो बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है वो है स्टिक इलेक्ट्रोड। स्टिक इलेक्ट्रोड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, ये एक सॉलिड मेटल रॉड है जो कि स्पेशली डिज़ाइन करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस। स्टिक इलेक्ट्रोड भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ आते हैं, डिफरेंट थिकनेस के साथ आते हैं। सो बेसिक जो फिलर मेटल्स आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि E6010, E6011, E6013, E7018, E7024, सो ये बेसिक कॉमन इलेक्ट्रोड्स है जो यूज़ होते हैं आर्क वेल्डिंग के दौरान, जहाँ पर फ्लक्स का कोटिंग होता है फॉर माइल्ड स्टील वेल्डिंग। और डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स को वेल्ड करने के लिए डिफरेंट कॉम्पोजिशन के फिलर मेटल्स यूज़ होते हैं। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ शील्डिंग गैसेस। सो शील्डिंग गैसेस जो है प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं टू द वेल्डिंग सर्फेस, जहाँ पर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन कोई भी आउटर कॉन्टेमिनेशन की वजह से कोई भी क्रैक या फिर कोई भी डिफेक्ट नहीं आए,
इसके लिए प्रॉपर शील्डिंग गैसेस प्रोवाइड करना पड़ता है। सो अगर हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का, जहां पर इलेक्ट्रोड में ऑलरेडी फ्लक्स कोटिंग रहता है, इसके वजह से एक प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें एक्सटर्नली कोई भी शील्डिंग गैसेस का यूज नहीं करते हैं। आर्क वेल्डिंग से हटके जो टिग वेल्डिंग है या फिर मिग मैग वेल्डिंग है, ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस में जो है शील्डिंग गैसेस का प्रॉपर यूज करते हैं। सो ऐसे केसेस में एक्सटर्नली शील्डिंग गैसेस का यूज करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट द वेल्डिंग फ्रॉम एनी आउटर कॉन्टेमिनेशन। और शील्डिंग गैसेस भी जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में आते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम एंड ऑक्सीजन, या फिर मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दिस टू गैसेस। सो इन शील्डिंग गैसेस का यूज करके एक प्रॉपर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। सो ये थे कुछ वेल्डिंग के बेसिक्स। अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर कोई भी वेल्डिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं।